क्लास अस्सलाम वालेकुम नेक्स्ट हमारा लेक्चर है पेज नंबर 143 पे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड सबसे वहला, पहला पहला वाला पैराग्राफ मैं स्टडी कर रही हूँ रीड कर रही हूँ आप अपने बुक्स खोल लें द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स आर रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की यहाँ पे बात की गई है कि जो ह्यूमंस होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं चूँकि उनका ऑर्गन सिस्टम लेवल भी कॉम्प्लेक्स होता है आपने ये चैप्टर नंबर वन में पढ़ा होगा इस वजह से उनकी रिक्वायरमेंट भी जो फ़ूड की हैं, होती है वो भी डिफरेंट होती हैं और अलग होती है और कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट एप हमारे पास लाइक अदर एनिमल्स द न्यूट्रिएंट्स यूज बाय द ह्यूमन इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स आपने इस पूरे पैराग्राफ में से जो लाइन करनी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है द न्यूट्रिएंट्स यूज बाय द ह्यूमंस इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स, मिनरल्स वाइटामस एक्सेट्रा ये तमाम वो न्यूट्रेंट्स हैं जो एक ह्यूमन की या एनिमल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की उसके लिए बड़ा ज़रूरी होते हैं तो आपने ये वाली लाइन याद करनी है यहाँ से ठीक है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स वो देखें कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स आज का मेन टॉपिक है मिनरल्स नेक्स्ट पेज के ऊपर है और कार्बोहाइड्रेट्स देखें यहाँ से अच्छा बेटा पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको थोड़ी सी इनफॉमेशन बता दूं कि ये मेन कंपोनेंट होता है एनर्जी सोर्स का इससे एनर्जी मिलती है सबसे पहला पॉइंट आप बनाएंगे अंडरलाइन करें इसको कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स तमाम एनिमल्स के लिए ये बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है नंबर टू अबाउट हाफ टू टू थर्ड ऑफ द टोटल कैलरीज एवरी एनिमल कंज्यूम्स डेली आर फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स अब कैलरीज आप कितनी कंज्यूम करते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि आपका वेट कितना है और उस वेट के लिहाज से आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो उस टोटल कैलोरीज में से जो हाफ टू थर्ड का हाफ हिस्सा होता है वो दैट इज़ डिपेंड अपॉन कार्बोहाइड्रेट्स जितना डेली में आप काब्स खाते हो उसका जो वो होता है वो टोटल अमाउंट जिसकी टोटल रेशियो होती है वो टू थर्ड होती है आपकी फ़ुल फूड में से ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज़ ग्लूकोज़ के ऊपर डब्बा बनाएं ग्लूकोज इज़ द मोस्ट ये आपको डेफिनेशन भी आ सकती है डिफ़ाइन ग्लूकोज टू मार्क्स की ठीक है अच्छा जी ग्लूकोज इज़ द मोस्ट ऑफ़न यूज कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी ऑफ़न का मतलब होता है आ, मतलब अक्सर ही ग्लूकोज़ को कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पे एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है अदर यूजफुल कार्बोहाइड्रेट्स आर माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज एंड स्टार्च ये सारी शुगर की एग्जांपल हैं ठीक है जो हमें प्लांट से मिलती हैं कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन जीरो फ़ोर किलो कैलोरीज पर ग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इम्पोटेंट लाइन फॉर द ऑब्जेक्टिव ज़ीरो फोर कैल किलो कैलोरीज पर ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट uh, से मिल सकता है ठीक है ये आपको ऑब्जेक्टिव uh, में आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कितने किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मौजूद होते हैं तो आंसर है फोर उसके बाद है ह्यूमंस ह्यूमंस कहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं ह्यूमंस के ऊपर डब्बा बनाए ह्यूमंस गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फूड लाइक ब्रेड पास्ताज बीन्स पटैटोज़ ब्रान, राइस एंड सीरील एक्सेट्रा ये तमाम वो चीज़ें जहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट्स हैवी अमाउंट में मिल सकती है अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड गिव एग्जांपल तो आपने आपने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिख देनी है और एग्जांपल में लिख देना है कि ह्यूमन को कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स लिखें आप इसमें से तीन चार भी लिख सकते हैं ठीक है उसके अलावा यहाँ से ग्लूकोज़ पे आपको आ सकता है कि डिफाइन ग्लूकोज वो आपने लिखना है और व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फूड ह्यूमन फूड तो ये सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ की जो ये वाली लाइन है ये वाला आंसर आपका क्लियर है यहाँ तक ये कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर कुछ भी कटिंग नहीं है इस वाले पैराग्राफ के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पॉइंट्स बनते हैं और वन वाला पॉइंट ऊपर से बनता है टोटल सेवन पॉइंट्स हो गए यहाँ से क्लियर है अच्छा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर वन फ़ोर पे मिनरल्स ये भी आज के लेक्चर में ही करेंगे दोनों छोटे हैं इसलिए मैंने एक दिन में रखे हैं दो सबसे ऊपर इसकी डेफिनेशन है मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट ओरिजिनेट इन अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड इन द बॉडी ये ह्यूमन बॉडी में नहीं बनते अगर इसको लेना है तो आपको इसको दूसरे सोर्सेज से ही लेना पड़ता है ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि अर्थ से निकलते हैं हमने जब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात की थी वहाँ पर भी हमने कहा था कि इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें ओबटेन नहीं होते जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उनको ऑर्गेनिक कहते हैं ठीक है जो अदर देन प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उनको इनऑर्गेनिक कहते हैं क्लियर है यहाँ तक ये मिनरल्स की डेफिनेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अच्छा जी उसके बाद है इसका फंक्शन दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड आर नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ ये हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन द ह्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड वाटर ज़्यादातर जो है डायरेक्टली हमें वाटर से या प्लांट से मिलता है और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एनिमल फ़ूड मतलब अगर हम डायरेक्टली प्लांट्स को इनटेक कर रहे हैं और वाटर ले रहे हैं तो हमें नेचुरल मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर चल जाते हैं अगर आपने पानी वाली बोतल देखी है जो हमें बाहर से मिलती है नस्ले की उसके पीछे मिनरल्स लिखे होते हैं इसमें कौन कौन से मिनरल मौजूद हैं ठीक है तो थ्रू वाटर और थ्रू प्लांट्स आपको डायरेक्टली भी मिल जाता है और एनिमल फूड जो है ओबियसली वो इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको मिल जाती है आप डायरेक्ट तो नहीं ना एनिमल फ़ूड को इनटेक कर लेते अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू मेजर एंड ट्रेस एनिमल यहाँ पे आप हेडिंग दे टाइप्स की जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे भी कोई कटिंग नहीं है सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है मेजर मिनरल मेजर मिनरल आर रिक्वायर्ड इन द अमाउंट ऑफ हंड्रेड मिलीग्राम और मोर पर डे ऐसे मिनरल जिनकी आपकी बॉडी को ज़रूरत है सौ मिलीग्राम एक दिन के अंदर ठीक है तो इसको कहते हैं मेजर मिनरल ट्रेस मिनरल कौन से होते हैं इसके ऊपर भी डब्बा बनाए दे आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट लेस देन हंड्रेड मिलीग्राम पर पर डे ऐसे मिनरल जिनकी ज़रूरत सौ मिलीग्राम से कम होती है एक दिन के अंदर उसको ट्रेस मिनरल कहते हैं याद रखिएगा ये अच्छा बेटा उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टेबल ये आपको टेबल नज़र आ रहा है यहाँ पे मेजर मिनरल लिखा है यहाँ पे ट्रेस मिनरल लिखा है आपको जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेजर एंड ट्रेस मिनरल आप एक लाइन लगा के दोनों तरफ डेफिनेशन लिखेंगे इनकी और फिर नीचे एग्जाम्पल लिख देंगे जैसे मेजर मिनरल में आप एग्जाम्पल लिख दोगे सोडियम पोटाशियम क्लोरीन ये सारी सोडियम पोटाशियम क्लोराइड कैल्शियम मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस ज़रूरी नहीं सारी लिखो दो या तीन भी लिख सकते हो ठीक है उसके अलावा ट्रेस मिनरल में आप भी इसी तरह एग्जाम्पल दो या तीन कोट कर लोगे क्लियर है यहाँ तक अच्छा जी मैं एक दफ़ा फिर इस टॉपिक को रिपीट कर रही हूँ मिनरल्स में सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट ओरिजिनेट इन द अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड इन द बॉडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है याद रखने की बहुत ज़रूरत है उसके अलावा नेक्स्ट है इसके पास फंक्शन फंक्शन में आप लिखेंगे कि इसका रोल क्या क्या है कहाँ पे नेसेसरी है किस लिए नेसेसरी है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली कहाँ कहाँ से मिलता है डायरेक्टली हम कहाँ से ले सकते हैं इनडायरेक्टली कहाँ से ले सकते हैं देन आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है मेजर और मेजर और ट्रेस मिनरल्स ठीक है ये आपने टाइफिस की लिख देने इसकी एग्जांपल नीचे इस टेबल के अंदर हैं ये जो टेबल के अंदर जितना कुछ भी लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम इंशाल्लाह तैयार करेंगे लेकिन चैप्टर के एंड पे फिलहाल आप लोग यहाँ से एग्जांपल कोड करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर इज़ दैट क्लियर अच्छा जी एक दफ़ा फिर पेज नंबर वन फोर्टी थ्री पे कार्बोहाइड्रेट्स का देख लें सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में से आपने ये वाली लाइन करनी है सेकंड लाइन से स्टार्ट हो रही है द न्यूट्रिएंट्स से लेकर रिक्वायर वाटर तक नेक्स्ट आपके पास है कार्बोहाइड्रेट्स का पैराग्राफ इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपका है कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी सेकेंड पॉइंट आपका है अबाउट हाफ से लेके डेली फ्राम कार्बोहाइड्रेट्स थर्ड पॉइंट ग्लूकोज का है फोर्थ पॉइंट आपका है कि दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से यूजफुल हो सकते हैं दैन नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कितने कैलोरीज़ कार्बोहाइड्रेट्स आपको प्रोवाइड करता है नेक्स्ट पॉइंट आपका ह्यूमन के बारे में है कि ह्यूमन कहाँ कहाँ से कार्बोहाइड्रेट कलेक्ट कर सकता है बॉडी के लिए इज़ दैट क्लियर यहाँ तक आपने तैयार करना है दोनों टॉपिक्स कार्बोहाइड्रेट्स का भी और मिनरल्स का भी आज के दिन ठीक है उसके बाद कल इंशाल्लाह लिपिड्स करेंगे बस जी आज का यही लेसन था